ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये है सनी लियोनी चाप और साथ में जी मटन, लेकिन ये है बिल्कुल वेज। कहाँ पर आए हैं, शॉप की क्या टाइमिंग है, सब कुछ बताऊंगा वीडियो में, एंड तक बने रहेगा दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त फूडी मक्खनपुरिया। और भैया आज हम लोग आए हैं कोका कोला चौराहे के पास, और कोका कोला चौराहे से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज है, उसके थोड़ा सा आगे ही एक वीर जी मलाई चाप वाले हैं जहाँ पर हम लोग आए हैं। यहाँ पे जी मिलता है 100% वेज फूड मलाई चाप और बहुत सारी वैरायटी। आइए चलते हैं, कुछ ना कुछ टेस्ट करते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उनका आनंद लेते हैं। दोस्तों आइए मिलते हैं वीर जी मलाई चाप के ओनर से और बात करते हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम? हम सूरज। अच्छा, ये शॉप आपकी कब से है यहाँ पे? लगभग 2.5 साल हो गए। लोकेशन थोड़ा सा बताइएगा हमारे। लोकेशन गुरु नानक स्कूल है, हाँ। लड़कियों वाला इंटर कॉलेज, उसके ठीक सामने मुर्गा सुर्गा के बगल में। मुर्गा सुर्गा, क्या बात है। तो यहाँ पे क्या शॉप का टाइमिंग आपकी? टाइमिंग मेरा आप 12:30 बजे से लगभग 11 बजे रात तक। तो भैया यहाँ पे क्या क्या वैरायटी मिलती है? वैरायटी मेरे यहाँ की बहुत है, जैसा कि आपके भी देख रहे हैं, मलाई चाप, पंजाबी स्पाइसी, गार्लिक, हरियाली चाप, सनी लियोनी, मियाँ खलीफा, अफगानी, पनीर टिक्का, बहुत सारे आइटम हैं। आप खाते रहिए, लगभग खाते रहिए, मेरे आइटम की कमी और नहीं। ये जो सारी चीज़ें वेज होती हैं? सारी टोटल वेज, टोटल सोया से रिलेटेड आइटम सारे मिलेंगे आपको। और ये जैसे बेली राम चिकन, ये सब ग्रेवी आइटम भी? सारे ग्रेवी आइटम हैं, ग्रेवी आइटम भी हैं और चाप आइटम भी जी। तो भैया आज हम आपके पास आए हैं तो हमें आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि हम? आप मटन ग्रेवी आता आपको टेस्ट करो, मटन ग्रेवी नवरात्र चल रहे भैया, पक्का वेज है ना? वो तो सब कुछ वेज मिल रहा है, बढ़िया। नवरात्र में हम आए हैं यहाँ पे, वेज ही मलाई चाप क्या 100% वेज फूड मिलता है। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे बैठने की बढ़िया व्यवस्था है, खुली एसी है, ये देखिएगा, बढ़िया बैठने की व्यवस्था है। तो आइए चलते हैं आपके किचन में और मेकिंग दिखाते हैं मटन चाप। हाँ, मटन चाप, मटन चाप। दोस्तों ये देखिए हम लोग लगवाने जा रहे हैं, चाप लगवाने जा रहे हैं। ग्रेवी है, ग्रेवी डाल रहे हैं, ठीक है जी। और डाल लिए न्यूट्रेला, डाल लिया अभी। ग्रेवी किस चीज़ की आपकी बनी होती है? ये टमाटर है ग्रेवी भैया, टमाटर की ग्रेवी है। ये पूरी वेज है? प्योर वेज है। अच्छा जी, और सोयाबीन के न्यूट्रेला है, ये सोयाबीन डाल दिया आपने। हाँ जी, ठीक है जी। और अभी बतलाते हैं, ये हमारा यूट्यूब पर चैनल है, ये चिकन की जगह चाप डाल ले हैं पूरी यूट्यूब पर। और ये जी ऊपर से आपने क्या डाला? ये भैया ये रोगन है, ये रोगन डाला, ये रोगन डाला। दोस्तों कितना बढ़िया सा कलर, पूरा नॉनवेज का फ्लेवर दे रहा है, लेकिन ये पूरा है वेज। तो इसमें पीसेस कुछ डालते हैं, कितने पीसेस होते हैं कुछ ऐसा? तो भैया ये इसमें स्ट्राइप पीस होता है, ये चिकन बहुत ज़्यादा स्ट्राइप पीस है, मतलब कम नहीं है। अच्छा, ज़्यादा देते हैं, क्वान्टिटी बढ़ा के देते हैं। फुल का कुछ है आपका? फुल में और भी ज़्यादा जाता है और हाफ में भी थोड़ा उसके साइज में होता है। अच्छा, इसके साथ लोग क्या खाना पसंद करते हैं आपके यहाँ? मैं रुमाली लच्छा सभी है, पर अभी लच्छे रोटी नान बंद है, अभी फिलहाल रुमाली के साथ खाता हूँ। रुमाली रोटी? हाँ जी, रुमाली के साथ खाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे आ सके, और इनके बहुत सारे आइटम और भी हैं। अभी इसके ऊपर जा रहा है अमूल क्रीम। अमूल क्रीम बाकी अभी अमूल से यही रोज रेडी हो गया, ये अभी पैकिंग हुआ, फिर जाओ खाना आपके लिए गए। हाँ भैया, ये चाप कौन कौन सी लगी है थोड़ा बताइएगा? नंबर में आपका अफगानी चाप आ गया, चिकन टिक्का, वेज चिकन टिक्का आ गया, वेज चिकन टिक्का, सनी लियोनी चाप आ गया। हाँ, पनीर टिक्का आ गया आपका, पनीर टिक्का, पंजाबी चाप, ठीक है, मलाई चाप, क्या बात है, इधर आ गया लेग बटर, लेग पीस टंगरी, लेग पीस है, वेज है ये ना? हाँ वेज है, लेग पीस टंगरी है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी सारी ये स्टिक्स लगी हुई हैं वेजेस की, चाप की, और काफ़ी चीज़ों की मेकिंग यहाँ पर होती रहती है। ये देखिए इधर, यहाँ पर भी लाइव काउंटर है बढ़िया सा, इस पर भी मेकिंग होती रहती है। क्या बना रहे हो भैया? ये सनी लियोनी है, सनी लियोनी चाप। हाँ जी। अच्छा जी, क्या क्या डालते हैं बता रहे हैं? इसमें भैया चाट मसाला डाले हैं, गार्लिक डाले हैं, नींबू डाले हैं और क्रीम मक्खन। अच्छा जी, तो ये सनी लियोनी चाप क्यों बोला जाता है? थोड़ा स्पाइसी होता है, कैसा होता है ये? भैया खट्टी मीठी होते हैं, खट्टी मीठी होती है। हाँ जी, इसीलिए इसका नाम सनी लियोनी चाप है। हाँ जी, भैया अमूल का क्रीम आ गया, अमूल का क्रीम आ गया भैया, भैया अमूल का बटर आ गया, ये बटर आ गया, क्या बात है, तैयार हो गया, ये कंप्लीट हो गया। हाँ जी, क्या बात। दोस्तों ये देखिए, हम लोगों ने ले लिया है वीजी मलाई चाप वालों से, क्या लिया है, सनी लियोनी चाप ली,
सनी लियोनी चाप, इसका नाम कैसे पड़ा है ये हमने भैया से पूछा था। ये है तीखी सी, तब आइए से खाते हैं सनी लियोनी चाप को। ये देखिए सनी लियोनी चाप में पड़े हुए शिमला मिर्च है, प्याज है, बहुत बढ़िया सा मसालेदार है। दोस्तों एकदम तीखा सा फ्लेवर अचानक से आ रहा है, बढ़िया सा तीखी सी है, स्पाइसी है, टैंगी फ्लेवर है। और साथ में लिया है जी हमने वेज मटन, वेज मटन है, इसकी ग्रेवी पूरी नॉनवेज की है, और इसमें जी पड़ा है चाप, सोया चाप पड़ा है। इसके साथ जी ली है हमने रुमाली रोटी, अब इसको खाते हैं रुमाली रोटी के साथ। ये देखिए ये रुमाली रोटी में ये ग्रेवी लेते हैं मटन की, मटन में जैसे कीमा कीमा डाला जाता है उस तरह से इसमें भी कीमा डाला गया है, और डाला गया है किसका, सोयाबीन का कीमा है। ये देखिए बढ़िया सा फ्लेवर बाइट लिया है, टेस्ट इज द बेस्ट, टेस्ट बहुत बढ़िया है दोस्तों, एकदम मटन का टेस्ट आ रहा है, नॉनवेज का बिल्कुल फील दे रहा है, लेकिन यकीन मैं सिर्फ इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल मेरे आंखों के सामने बना है, और वीर जी मलाई चाप वाले 100% वेज देते हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं या भविष्य में कभी कानपुर आने वाले हैं, तो जब भी आप कोका कोला क्रॉसिंग के पास गुरु नानक स्कूल के पास से गुजरे तो यहाँ पर जो वीर जी मलाई चाप वाले हैं इनके यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी, अराउंड 150 आइटम्स मिलते हैं, 100% प्योर वेज होते हैं और नॉनवेज का पूरा फील देते हैं, बढ़िया फ्लेवर है। यहाँ पर आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आइए, और अगर आप अकेले आए हैं तो अपनी फैमिली के लिए पैक करवा ले जाइए। और भैया हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।